नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चुन्नीबाई भट्ट आज आपको इस कड़ी में आयुर्वेद और मैग्नेट के द्वारा स्वच्छता अभियान के बारे में समझाती हूँ। आप सोचेंगे झाड़ू हाथ में ले लिया, सफाई हो गई, तो आप अपना शरीर अलग अलग कीमती साबुन शैम्पू से स्नान करके ऊपर से तो बहुत सुंदर रखते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप जो सेंटेड चीज़ें वापरते हैं वो आपके दिमाग को नुकसान करती है। जो सेंटेड चीज़ें आप वापरते हैं उनकी तीव्र सुगंध आपको दूसरों को अच्छी लगती है, लेकिन वह जब दिमाग में जाती है तो हमारे दिमाग को वो नुकसानकारक है। थोड़ा सा सुगंध अच्छी है, लेकिन जब तीव्र सुगंध वाले आप सेंट या तो कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए। अब इनके साथ साथ आप ये भी सोचिए वह परफ्यूम आपको नुकसान करता है, इसीलिए आप परफ्यूम का उपयोग सोच समझ के किया कीजिए। अब परफ्यूम और सुंदर साबुनों से आप अपना बाह्य स्वरूप, बाह्य शरीर अच्छे से साफ कर लेते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ईश्वर ने जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है उसके अंदर की सफाई के बारे में आपने कभी सोचा है? हम एक अच्छा सा छोटा सा 2 बेडरूम का घर लें तो भी उसमें हवा, प्रकाश और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये शरीर जो लाखों हजारों रुपया लाखों रुपया दे दो तो भी दोबारा नहीं मिलता। एक बार सांस निकल गई तो इस इतने कीमती शरीर को आपको संभालना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया उसमें उसने आँख, नाक, कान, दांत, जीभ और अंदर आंत, ये सब जो अवयव दिए हैं, क्या हमने कभी उसकी आंतरिक सफाई के बारे में सोचा है? हम एक घर में कितने प्रकार के लाइटिंग करेंगे, कितने प्रकार के पंखे लगाएंगे, एयर कंडीशन लगाएंगे, यानी हवा और उजास के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के हवा उजास के बारे में हमको सोचना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता है? अब आप सोचेंगे कि रोज नहाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं आंख, नाक, कान, लेकिन नहीं, आंख, नाक, कान, गला और दांत, इन्हीं की सफाई बराबर न होने से आपके शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले लैट्रिन जाना जरूरी है। लगभग सब लोग उठते ही जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको उठते नहीं लगती है, तो यह भी एक रोग है। आपको तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, उसको लेट गो नहीं करना चाहिए। आज आप एक बार टाइम पर नहीं गए, कब्ज हो गई, वो धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि बाद में आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, बड़ी बीमारी के भोग बनोगे। एक बार गए तो आप योगी है, 2 बार गए तो आप भोगी है, यानी खाने पीने के शौकीन है, लेकिन 3 बार गए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में कुछ रोग है, डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ी है। लेकिन हम वो सफाई के बारे में सोचते ही नहीं। ईश्वर ने 2 ड्रेनेज लाइन दी है हमारे शरीर में, एक लेट्रिन की और एक यूरिन की। आपके घर में यदि लेट्रिन की लाइन खराब होगी तो क्या आप 1 साल वेट करेंगे? तुरंत साफ कराएंगे? वैसे ही पानी की ड्रेनेज लाइन है, वो खराब हुई तो भी आप तुरंत उसका उपाय सोचेंगे, सब काम छोड़ के आप करेंगे। लेकिन आपने कभी अपने शरीर की ड्रेनेज लाइन के बारे में सोचा कि
यदि हमारी संदास की लाइन खराब हो गई तो कितने रोग होते हैं। पहले तो डाइजेशन बिगड़ती है, उसके बाद यदि वो बढ़ गया तो आपको कितने प्रकार के रोग होते हैं। उनमें कोई कोई रोग तो बड़े भयानक भी है। अब इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेट्रिन यदि तुरंत न लगे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। सामान्य दवाई है, आप हरडे की गोली ले सकते हैं या तो तेफला की गोली, और हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार केस्टर ऑयल की, अब तो कैप्सूल भी आती है, आप एक कैप्सूल ले लीजिए ताकि आपकी ये ड्रेनेज लाइन स्वस्थ रहे और आपका शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा है यूरिन का प्रॉब्लम, तो आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसीलिए पानी कम पीते हैं, इससे बहुत लोग मैंने देखे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। आपको जितनी प्यास लगी है उतना भरपेट पानी पीजिए, लेकिन किसी ने कहा या पेपर में आया कि इतनी बोतल पीना ही है, ये ठीक नहीं है। हर एक का अपना अपना शरीर अपने अपने ढंग से होता है, जितनी प्यास है उतना पानी जरूर पीजिए। ये डरिए मत कि कहीं जाना पड़ेगा, यदि वेग को रोका जाए तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। अब तो सामान्य इंसान भी समझता है कि किडनी के कितने रोग होते हैं, फेल होने से क्या होता है, खराब होने से क्या होता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये वेगों को यदि रोका जाता है तो किडनी पर दबाव आता है, उसका काम बढ़ जाता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी खराब तत्व जहरीले तत्व दिन भर में हम खाते पीते उनमें आ गए हैं, उन सब की सफाई करके किडनी द्वारा उसको अच्छा चीज बाहर लगा के, ये जो गंदगी है एसिड टाइप का जो यूरिन है उनको वो बाहर निकालते हैं। यदि हम उसको बाहर समय पर योग्य मात्रा में ना निकालें तो वह जो जहरीले तत्व है वो हमारी किडनी में रहते हैं और वह हमारे शरीर में पचने लगते हैं, पाचन होने के बाद हमारी बीमारी बढ़ती है। इसीलिए कभी भी वेगों को रोकना नहीं चाहिए। तो मित्रों, इस कड़ी में हमने आपको कुछ अंगों की सफाई के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम बाकी की छोटे छोटे अंगों की कैसे सफाई रखें और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कड़ी में आप लोगों से मैंने शरीर के आंतरिक सफाई के बारे में, कुछ अंगों के बारे में बात की थी। इस कड़ी में हम बाकी के अंगों के बारे में और उनकी सफाई हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखें स्नान, तो आप अच्छे अच्छे साबुनों से स्नान करते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आँख नाक कान उनको भी सफाई की ज़रूरत है। आप अपने नाते समय साफ़ हो जाते हैं तो ऐसे साफ नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आँख को लीजिए कि सब नाते समय भले ही आप आँखों को साफ कर लेते हैं, लेकिन दिन में दो चार बार ठंडे पानी से आँखों को धोना जरूरी है। उससे आँखों की गर्मी कम होती है और ठंडक मिलती है। इसके बाद आता है नाक, तो नाक को भी आपको हफ्ते में एक आध बार, उसमें आयुर्वेद की दवाई है षड बिंदु तेल, उस तेल के ड्रॉप्स नाक में हफ्ते में एक आध बार पूरे परिवार को दो दो बूंदे डालनी चाहिए, उससे नाक की सफाई रहती है। नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बाहर की हवा में आई हुई मिट्टी और खराबी को रोक लेते हैं, लेकिन रोकने वाले वह खराब भी तो होते हैं, तो उनको भी साफ करना इस तेल की वजह से अच्छा होता है। अब आगे देखें तो जीभ है यानी मुंह, रात भर हम मुंह बंद करके सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो
मुंह में एक बास बैठ जाती है जो अंदर का पीत है, वो रात भर उनकी हवा हमारे मुंह में जम जाती है। इससे भी बहुत से रोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको रात को सोने के बाद जब उठते हैं तो उनकी जीभ बंद हो जाती है, यानी जो पित्त है वो अंदर थूक के रूप में बहुत से जम जाते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से साफ करना पड़ता है। तो ऐसा न होने के लिए भी उठते ही हमें कुल्ला करना चाहिए ठंडा या गर्म पानी से। अब जीभ की सफाई के बारे में, तो बहुत से लोग जीभ की सफाई कम करते हैं, हालांकि दांत साफ करने के लिए पहले के ज़माने में बबूल या तो वट का वृक्ष है तो वट वृक्ष और बबूल की डालियां काट के उससे दातुन किया करते थे, कोई कोई नीम का दातुन भी करते थे, तो उससे आपके दांत स्वस्थ रहते थे। नमक, यदि कोई बड़ी हीरोइन बोले कि आपकी पेश में नमक है तो हम नमक वापस सकते हैं, लेकिन यदि कोई बुजुर्ग बोले कि नमक से दांत साफ होते हैं जब मरते हैं तो हम कम विश्वास करते हैं। लेकिन नमक में वो गुण है कि आपके मुंह के जितने जम से उसको मार डालता है, इसीलिए दिन में एक आध बार नमक के कुल्ले करने चाहिए। अब दांत की सफाई के बारे में देखो, तो आगे के दांत जो अच्छे लगते हैं उनको तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन मसूड़ों के साथ जो जड़े हुए हैं दांत, उनकी सफाई हम कम देखते हैं। वह भाग कभी कभी बहुत से लोगों के पीला हो जाता है, चाहे वो व्यसन से भी हो या ऐसे भी पीले होते हैं क्योंकि वो खाना खा के दांत साफ नहीं करते। अब उन जो पीलापन है उसमें जम्स हो जाते हैं, क्योंकि हवा हम अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, हवा में हजारों प्रकार के बारीक जम्स होते हैं जो हमारे दांतों पर जम जाते हैं, और यदि बिना कुल्ला किए खाया तो वो जम्स हमारे पेट में जाते हैं। ऐसे तो बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है, लेकिन उसी ब्रश को माइक्रोस्कोप से देखो तो ब्रश के अंदर कितने जीवाणु है वो भी तो देखो। उनको कभी आपने गर्म पानी से साफ किया, नमक पानी से साफ किया? ब्रश तो धो के रख देते हैं, दांत साफ हो गए, लेकिन दूसरे दिन वही जम्स आपके बच्चे या तो आपके मुंह में अंदर जाते हैं, इसीलिए उनकी भी सफाई उतनी जरूरी है जो हम दांत की करते हैं। यदि सही आयुर्वेद का उपचार करना है तो आप दांत के लिए एक वज्रदंती करके वृक्ष होता है और दांतों को मजबूत वज्र जैसा यानी शक्तिशाली बनाते हैं, यदि उनका मंजन किया जाए तो दांत अधिक स्वस्थ और लंबे अरसे तक हमारे मुंह के साथ जुड़े रहते हैं, गिरते नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। अब हम कान की सफाई देखें तो कान के अंदर भी भगवान ने एक ऐसा चिकनाहट भरा पदार्थ रख दिया है कि बाहर की हवा की वजह से कान में हम जो सुनते हैं वो हवा की वजह से तो सुनाई देता है, हवा की जो हमारे साथ कान में हमारा एक पर्दा होता है बारीक, उसके साथ मूवमेंट होने से हमें आवाज़ सुनाई देती है और सीधी हमारे दिमाग में वो आवाज़ जाती है। अब ये कान की हम सफाई न करें तो वहाँ भी मैल जम जाता है। हम बाहर के भाग को तो सुंदर साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो जमा हुआ कचरा है उसको भी महीने में एक आध बार हमें निकालना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में है बिलवादी तेल, और बिलवादी तेल ना लेना हो तो आप अपने घर में लहसुन या नीम के पत्ते को उबाल के एक कुछ तेल बना के रखिए, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार तो पूरे परिवार के कान में डालना चाहिए। यह तेल सीधा दिमाग पर पहुंचता है और दिमाग को ठंडक देता है, आप कभी डाल के तो देखिए। यदि आपको लगे कि हमारा दिमाग थोड़ा कमजोर हो रहा है, नींद बराबर नहीं आती है, तो भी
यदि आप नाक और कान में शुद्ध घी को गर्म करके दो दो बूंदे डालेंगे तो दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। यानी इन अंगों को हमें स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहे। अब इसी तरह श्वास जो दिखता नहीं है, यानी हवा जो हम सांस में लेते हैं और निकालते हैं, तो लेते हैं तो ऑक्सीजन है और निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से कुदरत ने ऐसे वृक्ष बनाए हैं जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं। जैसे एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष, उसकी हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें कोई भगवान बैठे नहीं है, लेकिन भगवान ने उसमें अपना अंश रखा है कि पीपल 2400 घंटा ऑक्सीजन हमें देता है, इसीलिए लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सोते हैं। तो हमारे घर में, आजकल तो बड़े घर नहीं है, आंगन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे घर में जहां भी सुविधा हो, हमें एक पौधा तुलसी का जरूर रखना चाहिए। यदि आप मुस्लिम हैं, तुलसी मत बोइए, वहां आप मरवा करके आता है वो छोड़ रखिए। उनके ऊपर से जो हवाएं जाती है अपने घर में, उससे जम्स मर जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हमारी सांस में वो जब जाता है तो हमारा अंदर का बॉडी भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे पौधे सजावट के प्लास्टिक की बजाय हम यदि बो के रखें तो भी हमारे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके साथ यदि आप मुस्लिम है तो आप लोबान का उपयोग कीजिए, वह भी इसीलिए धार्मिक संस्थानों में है कि उस जमाने में साइंस भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। लोबान इसीलिए लगाते थे कि उससे हवा में जो कीटाणु है, खराब जीव जंतु है, वो मर जाते हैं। इसी तरह हिंदू में गूगल का यदि धूप किया जाए तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यदि नीम के पत्ते मिलते हैं तो उनको भी दो चार गूगल के साथ डालो तो आपको दवाई की कम जरूरत पड़ेगी, आपके पूरे परिवार का हेल्थ बना रहेगा। ये हुई सांस की बात। अब आंतरिक बाबत हम देखें तो हमें डाइजेस्ट सिस्टम का ध्यान रखना है और श्वास का ध्यान रखना है, और इन दोनों से हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। अब इसी चीज को हम आयुर्वेद के साथ मैग्नेट के बारे में सोचे तो यह जो पट्टा है वो ENT का है, यानी आंख, नाक, कान और गला। हम एक ऐसे दो मैग्नेट वाली चीज बना के रखें तो सर दर्द हो या आंखों में जलन हो, मिटा देते हैं। इसी तरह यदि हम कान में कोई रोग है, या तो हमको लगे कि आवाज आ रही है, कुछ भी है, या सफाई करने के बाद यदि 10 मिनट भी इसका इस्तेमाल करें तो आपका कान स्वस्थ रहे। इसी तरह आंख के लिए भी हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में रोज या जब भी सुविधा मिले तो आंख के रोग होंगे ही नहीं। इसी तरह यदि हम अपने बाह्य शरीर को सुंदर रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, सुगंध वापरते हैं, इसी तरह यदि हम आंतरिक स्वच्छता भी देखें तो कम बीमारी आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार सुखी भी रहेगा। आज हम इतना ही जानते हैं कि बाह्य शरीर के साथ साथ आंतरिक शरीर की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है, इसका हम ध्यान रखें। नमस्ते, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अगले एपिसोड में हमको मिलते रहिए। नमस्ते।